हाँ जी भाई सत श्री अकाल जी, माई सैल जसमीत सिंह। हूँ तो सारियां नूं पहचान हो ही गई अपने छोटे भरा की। अज तुहानूं अपनी बब्बी फिश एंड चिकन कॉर्नर की ना जिहड़ी रैसपी है ना साडी सिग्नेचर डिश फिश फ्राई, उहदे बारे दसांगे की इंग्रीडियंट्स है ते की उहदा प्रोसैस हुंदा। सब तो पहला तुसीं साडी फिश वेख सकदे भाई जी, प्योर पिंक ही जे जिहड़ा मर्जी पीस चुक के देख लो। ते साडी जिहड़ी कला दाणा भी है ना, असीं वड्डा दाणा नहीं लैंदे, 1.5 to 2 kilo वाला साइज लईदा। वो बंदी प्रॉपर है, वधिया बंदी है। तो यह साडी फिश हैगी जे, असी उन्हें जिहड़े इंग्रीडियंट्स है की मैरीनेशन हुंदी है की प्रोसैस हुंदा तुहानूं दसांगे जी। सब तो पहला लाँगे जी अभी अपना बेसन। बेसन जो भी लैना ना वधिया क्वालिटी का लैना, बारीक लैना, मोटा बेसन नहीं लैना। बेसन दे विच अभी ऐड करांगे नमक, इहदा दूजा सब तो वड्डा इंग्रीडियंट हुंदा हिंग। हिंग तो बिना नहीं बनती भाजी मच्छी। हुण इहनूं असीं मिक्स करांगे। जदों ये मिक्स करना ना इहनूं लसन दे पानी दे नाल करना, कदी कच्चे पानी नाल नहीं करना। लसन को पीस के ग्राइंड करके नहीं, पीस के कुट के। हाँ जी, उहनूं राती भिगोई कर दईदा ते सवेरे उहनूं कुट लईदा। कुट लईदा फिर उहनूं मलमल दे कपड़े च निचोड़ लईदा। इहनूं उदों तक असी हाथ मारना जिन्नी देर तक साडा जिहड़ा बैटर है ना चंगी तरह मुलायम ना हो जाए। चाहे 5 मिनट लगन चाहे 10 मिनट लगन, तो बैटर दे सिर ते ही साडी फिनिशिंग आनी फिश दी। अब इसमें थोड़ा सा कच्ची हल्दी का कलर और थोड़ा सा फूड कलर। जितना हाथ लगेगा बैटर जितना मुलायम होगा उतनी फिश आपकी मुलायम बनेगी। सिल्की येलो, यस। जैकेट भी साड़ी मैचिंग है। एज यूजुअल आप सभी को मालूम है जी, मैं लाल मिर्ची का इस्तेमाल नहीं करता, ग्रीन चिल्ली ऑलवेज। ओके सर जी, थैंक यू। थैंक यू जी, जरूर जी। लास्ट इंग्रीडियंट्स अजवाइन। अजवाइन ना ना साड़ी भाजी फ्लेवर बड़ा वधिया आना, जो दंद के थले च्यू करनी ना आप फिश, च्यू करने का मौका ही नहीं मिलना तुहानू। बिना च्यू तो ही अंदर जानी है नहीं, सॉफ्ट होनी तुहाडी मच्छी तुहाडी। तुसीं देखिओ तां फ्लेवर किहड़ा वधिया आंदा अजवाइन दे नाल। इहो 4-5 मेन इंग्रीडियंट्स होंदे फिश दे, ज़्यादा इंग्रीडियंट्स नहीं होंदे। ये जी हमारा बैटर तैयार हो गया, जो हमारी फिश है अब इसमें मिक्स करेंगे। अब सारी चंगी तरह मिक्स करांगे जी अपनी फिश नूं, ताकि जिहड़े इंग्रीडियंट्स है कली कली फिश के दाने उत्ते आराम नाल चढ़ सके। जिहड़ी तुसीं साडी फिश देखोगे ना, पेपर कोटिंग होएगी, बेसन वाली नहीं होएगी, पेपर कोटिंग फिश दांगे तुहानू। अभी तुहानू फिश खवानी है, बेसन नहीं खवाना। तुसीं देख सकते जी कढ़ाई साडी तैयार है, बिल्कुल धुप के तैयार है, लिशकदी पई है। हुण असीं इहदे च ऐड करांगे जी अपना रोज़ की तरह फ्रैश ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। असीं रीयूज नहीं कर रहे। ये है हमारी अब फिश फ्राई। ये भैया हमारी हाफ कुक तैयार हो गई है, जैसे जैसे ऑर्डर आते जाएंगे उसको दोबारा रिकुक करते जाएंगे। देखिए फ़िश की मैं आपको दो बातें ज़रूर बताना चाहूँगा। पहली चीज़ ये है कि अमृतसरी फ़िश जो है वो हमारे अमृतसर की आइकॉनिक डिश है, सिग्नेचर डिश है। 50 किलोमीटर अमृतसर के आगे चले जाएंगे ना, ये टेस्ट आपको नहीं मिलने वाला। हवा पानी का फ़र्क है, पुश्तों से अमृतसर में ये रेसिपीज़ चली आ रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अमृतसरी फ़िश में और अमृतसरी पकौड़े में बहुत फ़र्क होता है। बिल्कुल, वो फ़िश फ्राई होती है उसमें बेसन की कोटिंग बहुत हल्की रहती है, हल्के हाथों से बेसन का लेप लगाया जाता है। पेपर कोटिंग बोल सकते हैं, पेपर कोटिंग होती है। और जो फ़िश पकौड़ा होता है उसमें थोड़ी थिक रहती है कोटिंग रहती है। बहुत सारे लोगों को हमने यूट्यूब पर देखा है, बहुत सारे लोग वीडियोज़ डालते हैं, घर पर भी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, और बेसिकली वो फ़िश पकौड़ा बना रहे हैं। एग्जैक्टली, ओरिजिनल ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल फ़िश फ्राई खाने के लिए आपको यहाँ पे आके लाइव कुकिंग भी देखिए, हनी भाजी करते हैं यहाँ पे,
यहाँ पे आपको मिलेगी सिंघाड़ा फिश मिलेगी और प्योर सिंघाड़ा ही मिलेगी आपको, ठीक है। सिंघाड़ा बोल के मल्ली नहीं बेच रहे, सिंपल सी बात है। और सरसों के तेल में ही फ्राई होती है, कि असली स्वाद जो है वो सरसों के तेल में आएगा, राइट भाजी? बिल्कुल भैया, कोई चीज मैंने गलत बोली हो आप एक बार जी ना, जो फिश फ्राई होगी ना वो मस्टर्ड ऑयल में सरसों के तेल में ही होगी। आप तेल की चमक से देख सकते हैं, फिश जो निकली है उसकी चमक देख सकते हैं। रोई की रोज हमने चाहे 25 किलो लगे चाहे 40 किलो लगे। हनी भाजी सिंघाड़ा फिश की पहचान क्या है, थोड़ा वो भी बता दो। उसकी स्किन है सबसे बड़ी पहचान, और दूसरी ये जो कलगी है ना भैया, ये जो कलगी है ये कलगी ही सिंघाड़े की होती, मल्ली की नहीं होती। मल्ली की चालर होती है, वो मोटी होती है, राइट। सिंगल बोन फिश होती है ये, बट जब प्रिपेयर करके दी जाती है तो बोनलेस होती है, बोनलेस होती है। फ्रेश रिवर वाटर फिश है ये। फिश के बेनिफिट्स बहुत हैं। फिश के भैया ठंडी में ही खाने के ज़्यादा फायदे हैं। ये इसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, हमारी बॉडी के लिए बहुत बढ़िया होता है। वेट लॉस में भी ये काम आती है, बॉडी को गर्म करने की भी काम आती है। जितने कह लो उतने कम फायदे हैं। स्किन के बहुत फायदे हैं, आंखों के लिए बहुत बढ़िया, आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बालों के लिए बहुत बढ़िया है। कोई हेयर लॉस से गुजर रहा हो तो फिश एज ए मेडिसिन काम आती है। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आप हमारे साउथ की तरफ चले जाओ या बंगाल की तरफ चले जाओ, आप उनके जो हेयर है ना, बाल है, आप देखोगे जेट ब्लैक है, चाहे वो ओल्ड है चाहे वो यंग है। एक तो ब्लैक कलर होता है, एक जेट ब्लैक है। वो कारण यही होता है, एक तो वो फिश बहुत खाते हैं, ऊपर से वो मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं। इसी कारण हम भी जो फिश बनाते हैं वो मस्टर्ड ऑयल में ही यूज़ करते हैं, उससे इसका जायका टेस्ट बढ़ जाता है। फिश के और भी बहुत फ़ायदे हैं, आदमियों के लिए भी औरतों के लिए भी। उसके लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम करें, मैं सीक्रेटली बता दूंगा, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे नहीं बता सकता वीडियो में, पर बहुत फ़ायदे हैं। बाकी आप समझ गए हैं इशारा मेरा, आप काफ़ी समझदार लोग हैं। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप वाकई बहुत समझदार हैं, तो आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो फिश हमारी रेडी है जी, अब इसको टेस्ट करेंगे, प्रॉपर आपको रिव्यू करेंगे। ये हमारी फिश फ्राई रेडी है जी, वो पैक कर रहे हैं। इसको पुदीने की चटनी के साथ, नींबू के साथ और मूली के साथ सर्व किया जाता है। इसको खाने के लिए आपको आना होगा बब्बी फिश एंड चिकन कॉर्नर, क्रिस्टल चौक, कूपर रोड, अमृतसर। इसकी प्राइसिंग है जी 400 पर प्लेट, प्लेट में 250 ग्राम जाती है। टाइमिंग हमारी है सुबह 12:30 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। थैंक यू। तो जनाब, फिश की आपको सारी प्रिपरेशन हमने दिखा दी, कैसे तैयार होती है, क्या क्या उसमें मसाले जाते हैं, वो सारा हमने आपको दिखा दिया। अब बचा है सिर्फ टेस्ट करना। ये देखिए, मज़ेदार सी सिंघाड़ा फिश है ये। हल्के हाथों से बेसन की इस पर कोटिंग की जाती है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर है। सो टेस्ट करते हैं। बहुत बढ़िया यार, वाकई अमृतसरी मच्छी का ना जवाब नहीं है। सो टेंडर, अंदर से पूरी वाइट है, सॉफ्ट है, मेल्ट्स इन योर माउथ, बहुत बढ़िया। ये फिश की ना एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, इसकी स्किन देखो। ये स्किन के बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत लोग हैं जो स्किन नहीं खाते हैं, पर इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। और मुझे तो खासकर ये स्किन जो है ना इस तरह से खाना बहुत पसंद है। ये देखिए स्किन देखो इसकी, ओए होए होए, बड़ा ही इस फिश का स्किन के साथ बड़ा ही आला किस्म का एक स्वाद आ रहा है, बहुत मज़ेदार यार। तो ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपको जल्दी एक और अगली वीडियो में। चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। इसको हम तब तक एंजॉय कर लेते हैं।